हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अल्फा एस एकेडमी। वी आर डूइंग द एग्रीकल्चर सीरीज एंड वी आर एट द लेक्चर नंबर 6। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो है क्रॉप जो है उगाया है, कैसे उगता है, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको चाहिए होती हैं, क्या क्या खाद चाहिए होती हैं, फर्टिलाइजर क्या चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बीच में क्या फ़र्क है, तो बेसिकली ये हमने देख लिया है। अब देन आपकी अब जो फसल है वो उग गई है, अब आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोरेज करनी है, उसकी मार्केटिंग करनी है, पैसा उसको सही देना है, उसका प्रोसेसिंग करनी है, तो बेसिकली इन सब एस्पेक्ट से हम आज डील करेंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग दैट इज स्टोरेज। अब भाई आपने फसल उगा ली, अब उसे स्टोर करोगे आप सबसे पहले, तो स्टोरेज है क्या? स्टोरेज इज एन इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन विच इन्वॉल्व्स होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स फ्रॉम टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड अंटिल दे आर नीडेड फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो आप जब से फसल को उगाओगे और जब तक आपने उसको खा नहीं लिया या कंज्यूम नहीं कर लिया, तब तक आप उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। कैसे भी रख सकते हैं आप। अब स्टोरेज आप दो टाइप से करेंगे, या तो आप अंडरग्राउंड स्टोरेज कर सकते हैं या सरफेस स्टोरेज कर सकते हैं। भाई अंडरग्राउंड स्टोरेज में क्या करते हैं, बेसिकली विलेजेस में प्रैक्टिस की जाती है। होता क्या है कि आपने एक पिट बना दिया, गड्ढा बना दिया, अब उस गड्ढे में आपने या तो आप ऐसे सीधा बैग में पैक करके रख दो क्रॉप को, या आपने इसको सीमेंट से पक्का कर लिया। अंडरग्राउंड आपकी वाटर टैंक्स होते हैं ना, वैसे ही हमने बना दिया, उसमें स्टोर कर लिया। और सरफेस स्टोरेज क्या हो गया कि सरफेस पे स्टोर किया। ये भी दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका बैग स्टोरेज एंड द अदर वन इज़ बल्क स्टोरेज। ठीक है, बल्क तो हुआ कि आपने बड़े बड़े सीधा उठा के डाल दिया, टंकियों में डाल दी। देन बैग स्टोरेज हुआ कि आपने बैग्स बनाए छोटे छोटे उसके और उसको स्टोर किया। ठीक है, तो ये हो गया स्टोरेज। एक अब नया कॉन्सेप्ट आ गया है, दैट इज़ वेयर हाउसिंग। ठीक है भाई, वेयर हाउसिंग में क्या है कि वेयर हाउस होता क्या है, देखो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द स्टोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउस, आपका जो सामान आता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, वो कहाँ से आता है? वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से आता है। तो वेयर हाउसिंग क्या हो गया, एक जगह हो गई जहाँ पे आप अपना सामान जो है स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वेयर हाउसेस। बड़े बड़े टीन शेड देखे होंगे ना आपने लगे हुए ब्लू कलर के, उसी को वेयर हाउस बोलते हैं। ठीक है, अब वेयर हाउस से होता क्या है कि यार देखो, आपका जो बेसिकली क्रॉप होता है वो अच्छे से स्टोर हो जाता है, जो उसकी क्वालिटी है और जो उसकी क्वांटिटी है दोनों मेंटेन रहती हैं। ठीक है, अब बात करें अगर रोल ऑफ वेयर हाउसिंग की, कि भाई रोल क्या है वेयर हाउसिंग का, तो सबसे पहले तो एक भैया वो साइंटिफिक स्टोरेज है कि जो स्टोरेज होती है वो बेहतर होती है, ख़राब नहीं होता। देन फाइनेंसिंग है भाई, फाइनेंसिंग क्या होता है कि आप वेयर हाउस जाएँ, आपने जो है 5 टन गेहूँ वहाँ पे सबमिट करी और वेयर हाउस जो है आपको एक रिसिप्ट देगा, उसको बोलते हैं वेयर हाउस रिसिप्ट। ठीक है, ठीक है, फाइनेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हो आप उस वेयर हाउस रिसिप्ट को। ठीक है, देन मार्केटिंग इंटेलिजेंस की आपको मार्केट का पता लगता है कि भैया किस क्रॉप का कितना दाम चल रहा है, गेहूं का कितना दाम है, राइस का कितना दाम है, तो ये सब दाम आप पता लगा सकते हो। ठीक है, देन प्राइस स्टेबलाइजेशन में वेयर हाउस हेल्प करता है। कैसे भाई, आपको पता है कि इतनी गेहूं अलग अलग वेयर हाउसेज में कंट्री के अराउंड पड़ी हुई है, तो मतलब गेहूं की कमी तो नहीं होने वाली अगले साल तक भी, अगर हमें गेहूं की पैदावार इतनी नहीं होती, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन में भी जो है वेयर हाउस काम करता है। अब वेयर हाउसिंग क्या होती है, वेयर हाउसिंग इन इंडिया में बात करें, देखो दो टाइप से वेयर हाउस होते हैं, एक तो आपका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, एक स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन होते हैं। ठीक है, सेंट्रल ये दोनों ये होते एक्ट से बनते हैं ये। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ये सब, और ये बेसिकली जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमेटी है ये जो है बेसिकली आपका 1957 में बनाया गया था। ठीक है, और लगभग आज के टाइम पे ये 120 काइंड्स की एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कमोडिटी को स्टोर करता है। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस की, तो बेसिकली स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड आपका सेंटर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये दोनों जो है इसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी से मिलके जो है बनाया जाता है। फिर आपके पास एक होती है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक्चुअली वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट 2007 से बनाई गई थी। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये बेसिकली आपका, देखो याद रख लेना, ये जो सब काम है ना ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का काम है।
ठीक है, ये जो काम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ठीक है। ये जो है आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड में, या डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब ये तो क्या था आपका कि भाई वेयर हाउसिंग कैसी है इंडिया में, तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, देन स्टेट वेयर हाउसिंग कमीशन एंड देन वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ होती है वेयर हाउस रिसिप्ट्स, भाई वेयर हाउस रिसिप्ट कुछ नहीं होती है, इस पर क्या होता है आपको लोन मिल जाता है, आप पैसा उठा सकते हैं आगे। आप गए आपने 1 टन गेहूँ, मैंने आपको बताया ना आपने 1 टन गेहूँ जो है वेयर हाउस में जमा कराई, वेयर हाउस जो है आपको एक रिसिप्ट बना के देगा, ठीक है। उस रिसिप्ट में बहुत कुछ लिख देगा वो कि भाई कितनी क्वांटिटी है, कितना उसका दाम है, ठीक है, किस क्वालिटी की वो गेहूँ है और कब आई, कितना उसे ग्रेडिंग व्रूडिंग करके सब कुछ लिख के दे देगा आपको, एक रिसिप्ट बना के दे देगा। अब आप जो रिसिप्ट है मान लिया आपको उसने 500 रुपये की एक वैल्यू लगाएगी, 500 रुपये की गेहूँ आपकी वेयर हाउस में जमा है, तो लगभग लगभग आपको जो बैंक है 400 से 450 रुपये का लोन दे देगा इस रिसिप्ट पे। आपके पास पैसे नहीं है बट देन आप इस रिसिप्ट पे जो है आगे पैसा उठा सकते हैं, आपको जो है हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, आप वेयर हाउस गए, वेयर हाउस में आपने एक अपना जमा किया, उसने आपको रिसिप्ट दी, रिसिप्ट आप जो है बैंक या कहीं भी जो है पैसा उठा सकते हैं लोन के लिए, ठीक है। तो ये होगी वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, इसको बेसिकली नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो वेयर हाउसिंग स्टोरेज, स्टोरेज के लिए क्या हो गया आपका वेयर हाउसेज हो गए। अब स्टोरेज के लिए या सब कुछ जो देख रहे हैं भाई, अब क्या है कि प्रिक्योर करना है क्रॉप्स को, उसको आगे भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, लोगों में बांटना है, तो उसके लिए हमने एक अथॉरिटी बना रखी है, उसको बोलते हैं हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बड़ी अच्छी नौकरियां निकलती हैं इसमें भी आजकल, ये एक टाइप का PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको हम बोलते हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ PSU, ठीक है, एंड इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। बेसिकली इसको कब बनाया गया था, 1965 में ये बनी थी, और किस एक्ट से बनी है, एक एक्ट है आपका, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपका कब बना, 1965 में, अंडर द एक्ट है एक आपका फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 का, ठीक है, उससे बनाई फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964, ठीक है। इसके साथ ही 1965 में एक और चीज़ बनी भैया, उसको हम बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है, CACP जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। CACP ही वो अथॉरिटी है बेसिकली जो MSP डिसाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फार्मर्स को मिलता है ना, वो CACP ही डिसाइड करती है। अब FCI काम कैसे करता है भाई, फार्मर्स हैं, फार्मर्स आ गए आपके पास, फार्मर्स ने क्या किया, सरकार ने MSP घोषित कर दी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित कर दिया, किसने, सेंटर ने, सेंटर की अथॉरिटी कौन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है कि वो फार्मर्स से गेहूँ धान जो भी जितनी भी आपका 23 कमोडिटीज़ हैं बेसिकली CACP के अंडर, ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन जो है लगभग लगभग 23 कॉमोडिटीज़ के लिए MSP देता है, ठीक है। उसमें से 7 सीरियल्स हैं, 5 पल्सेस हैं एंड 7 ऑयल सीड्स हैं, ठीक है। अब पहले इसका नाम एक्चुअली कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस था, बट 1985 में इसका नाम CACP किया गया। अब क्या हुआ कि आपने MSP घोषित कर दी, अब क्या FCI क्या करेगा कि फार्मर्स के पास जाएगा, बोलेगा कि यार चलो ठीक है हम ये MSP है, ये आपके पैसे रहे, मुझे दे दो, वो उठा के अपने FCI के बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं वहाँ ले जाएगा, गोडाउंस होते हैं। अब उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है, किस पे देता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस में, तो FCI तो खरीदेगा किस पे, MSP पे, और FCI स्टेट गवर्नमेंट को कौन से प्राइस पे देगा, सेंट्रल इशू प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स जो है आगे डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो होता है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स आगे किसको दे देंगी, फेयर प्राइसेस शॉप या आपका जो PDS शॉप्स होती हैं, सरकारी गल्ले की दुकान जो होती है वहाँ पे दे देगी, ठीक है। अब फेयर प्राइस शॉप किसे देंगे, बेनिफिशियरी को, आपका जो NFSA है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर जो है जो भी सेंट्रल इशू प्राइस होगा वो बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। तो ऐसे जो है होती है प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी क्रॉप का। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जल्दी से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, देखो एक तो रिम्यूनरेटिव प्राइस देना है, किसको देना है, रिम्यूनरेटिव प्राइस, अच्छा प्राइस मिले फार्मर्स को, ठीक है। देन आपको बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना है ताकि कोई भी दिक्कत आए तो वहाँ पे आप उस समय जो है प्रोवाइड कर सकें जो आपका एक्सेस है। देन प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है भाई, ऐसा सप्लाई आपको मेंटेन रखना है कि ना प्राइसेस ज़्यादा ऊपर जाएँ ना ज़्यादा नीचे जाएँ, एक टाइप से जो है मेंटेन रहें। देन आपको एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी पर भी ध्यान देना है कि खरीद सकें लोग,
ठीक है, और जो भी जितनी भी डिमांड है वो पूरी की जा सके, वो हमेशा अवेलेबल रहे, ठीक है। देन आपको जो है ग्रेन्स जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक भी पहुँचानी है, पीडीएस को भी देनी है। देन प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन किसके लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स के लिए आपको प्राइस को मैन्यू मतलब प्राइस को मैनेज करना है। देन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एफसीआई लेता है, एक तो देखो प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट कैसे करेगा भाई, एमएसपी घोषित कर दी और जाके वो प्रोक्योर करता है। अब प्रोक्योर भी बेसिकली दो तरीके से करता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, ठीक है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, ठीक है। अब एक स्कीम होती है उनकी, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम एक्चुअली 1997 98 की स्कीम है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट को ही, स्टेट में गए एफसीआई गई, एफसीआई के गोडाउन कहाँ होते हैं, स्टेट में ही होते हैं, वहीं से प्रोक्योर करते हैं और वहीं से जो है उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहीं और उसको कहीं गोडाउन में ले जा रहे हैं सेंट्रल, भाई पता लग रहा उत्तराखंड में आपने गेहूँ लेनी है, ठीक है, उत्तराखंड में बटनी है, तो आप कोशिश करेंगे उत्तराखंड से ही प्रोक्योर की जाए, उत्तराखंड में ही बिक जाए। अब जो बाकी कम पड़ेगी वो बाहर से आती है, बट देन जैसे यूपी है, यूपी में तो अच्छा खासा होता है भाई, यूपी में ही खरीदी, यूपी में ही बेच दिया आपने। अब ऐसा थोड़ा ना है कि आप अगर यूपी उत्तराखंड से आपने इकट्ठी करी, फिर दिल्ली गई, दिल्ली से फिर यूपी और यूके जा रही है, तो क्या हुआ कि कॉस्ट आपकी ज़्यादा आती है इसमें। देन डिस्ट्रीब्यूशन, एफसीआई का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है आगे किसको, जो आपका सरकारी गल्ले की दुकान है, इसको पीडीएस भी बोलते हैं, ठीक है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आपने प्रोवाइड करनी है फूड ग्रेन्स लोगों को, बेनिफिशियरी को, उस सबको आपको देखना है। अब एक याद रखिएगा, एफसीआई में हमेशा रिफॉर्म्स की बात चलती रहती है, तो बेसिकली एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था शांता कुमार कमेटी, उसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, हमने लिखे हुए अपने नोट्स में वो रिकमेंडेशन, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन है। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि भैया प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कि प्रोक्योरमेंट कैसे होना चाहिए, देन जो वेयर हाउसिंग रिसिप्ट थी नेगोशिएबल, ठीक है, वेयर हाउसिंग रिसिप्ट भी दो टाइप की होती है, नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल, ठीक है, वो हम अपने आपके इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे आपको। तो नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, फिर उन्होंने बोला कि आप एमएसपी पॉलिसी को रिविजिट करें, ठीक है, स्टॉकिंग एंड मूवमेंट रिलेटेड इश्यूज़, देन बफर स्टॉकिंग ऑपरेशन एंड लिक्विडेशन पॉलिसी, इन सब पे जो उन्होंने ध्यान दिया। तो बेसिकली आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, इसमें से 5 पॉइंट आप याद कर लेना, कभी शांत कभी एफसीआई का क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको रिफॉर्म्स लिखना पड़े तो आप शांता कुमार कमेटी को ज़रूर ज़रूर लिखें, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, दैट इज़ कोल्ड स्टोरेज। देखो कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि अब जो सब्जियाँ हैं या कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप है उसकी जो क्वालिटी होती है वो पेरिशेबल होता है, हो सकता है कि कुछ कुछ जो क्रॉप वो घंटे भर में ख़राब हो जाए, कुछ कई महीनों में खराब हो, बट खराब जरूर होगा, वो पेरिशेबल होता है, तो उसको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। देखो मेनली जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। अब इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का, बट फिर भी हमारा लगभग लगभग 20 से 30%, मैं आपको बताऊँ 20 से 30% जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सप्लाई चेन अच्छी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ठीक है। अगर हम स्टेटस ऑफ कोल्ड स्टोरेज इन इंडिया की बात करूँ मैं आपको, तो हम लोग टोटली लैक करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है। और जो हमारे पास स्टोरेज हैं भी वो सिंगल क्रॉप वाली हैं, पता लग रहा है जहाँ आलू जाना है वहाँ आलू ही जा रहा है, जहाँ ऑरेंज जाना है वहाँ ऑरेंज ही जाना है, जहाँ फ्लावर जा रहे हैं वहाँ फ्लावर्स ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक राइट अप्रोच नहीं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनानी है। देन अगर मैं स्कीम्स की बात करूँ कोल्ड रिलेटेड स्टोरेज, तो आपका एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है भैया, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन क्या है कि बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो। देन आपकी एक स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसमें भी कोल्ड स्टोरेज की बात की गई है। देन एक एजेंसी आपकी अपेडा, जिसको बोलते हैं APEDA, नाउ APEDA स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसमें भी कोल्ड स्टोरेज की बात की है। एक्चुअली ये असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है किसके लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, ठीक है। देन हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग तो है ही है, जो कि कोल्ड स्टोरेज को देखती है, कैसे बनाने हैं, कैसे करना है, वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, सप्लाई चेन कैसे बनानी है, क्या क्या प्रिजर्वेशन कैसे टेक्निक्स होगी, प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का काम है। देन इशू क्या है स्टोरेज के साथ, बेसिकली देखो इशू क्या है, बेसिकली एक तो स्टोरेज जो है इंडिया में ओपन स्पेस में होती है, आपने देखा होगा ऊपर ले जाते हैं कट्टे, कट्टों को रैक करते हैं ओपन में और उसके ऊपर तिरपाल बिछा देते हैं, बारिश हुई तूफान आया पता लगा तिरपाल उड़ गई, पूरी बारिश से जो है पूरी ग्रेन्स ख़राब हो जाती हैं। देन जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब है, ठीक है, उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब है जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। देन
जो बेसिकली ओल्ड क्रॉप्स हैं वो पता चला सड़ रहा है तो सड़ ही रहा है, तो हमें इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी अपना सकते हैं कि भैया जो पहले आया अनाज वो पहले बाहर जाएगा। देन आप जो आपकी कैपेसिटी है आप उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, ठीक है। ये तो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करते हैं, ये तो इशू हो गया। तो वे फॉरवर्ड में यही क्या हो जाएगा, कैपेसिटी को आप अच्छे से यूटिलाइज करें, मैनेजमेंट अच्छे से करें। पेपर वर्क इतना होता है कि भैया आदमी परेशान हो जाता है। देखो तो जो इश्यूज होते हैं ना वही वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन बन जाते हैं बस, ठीक है। तो अगर इशू हो गया कि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है तो आपको वे फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा, पेपर वर्क कम करना है। भाई अगर आप इशू में लिखेंगे कि पनिशमेंट कम है तो पनिशमेंट आपको स्ट्रिक्ट लानी है। देन आपको वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं कि टाइमली इवेल्युएट करें, सिस्टमेटिक इवेल्युएशन हो, ठीक है। सारे रीजन्स को इंटीग्रेट करें, कहीं जो जो सरप्लस रीजन्स हैं उसको वहाँ से जो है डेफिसिट रीजन में ट्रांसफ़र किया जा सके आराम से, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स की भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसमें अच्छे से इंटरवीन करके इसको एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाए कोल्ड स्टोरेज को, ठीक है। अब भैया आपने स्टोर कर लिया, अब बात आ गई कि आपको ले जाना है। ले जाना क्या है, मतलब ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, जो सरप्लस रीजन होते हैं, ठीक है, जो सरप्लस रीजन्स होते हैं वहाँ से जो डेफिसिट रीजन्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का एक मकसद तो जो होगा कि सरप्लस रीजन से डेफिसिट रीजन में ले जाना, ठीक है। और जो बफर स्टॉक्स हैं उसको डेफिसिट रीजन्स में पहुँचाना। देन आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी अनाज चाहिए उसको वहाँ तक पहुँचाना। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट भी एक टाइप का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो है पहुँच गया आपका अनाज जहाँ पे पहुँचना था, उसके बाद आप बांट दीजिए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोई वो वाली मार्केटिंग नहीं जो आप समझ रहे हैं। हाँ वो भी कंपोनेंट है कि बढ़िया से मार्केट करेंगे उसको, बढ़िया उसकी वैल्यू बनाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे तो अच्छा बिकेगा। बट देन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, सब जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, देखो एक तो रिसोर्स यूज़ अच्छे से होता है, देन हमें जो है हायर इनकम देनी है फार्मर्स के लिए, तो उसके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट जब आप अच्छे से मार्केट कर पाएंगे तो मार्केट जो रीच है आपकी वो बढ़ेगी, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आप जो मार्केट को वाइडन कर पाएंगे, ठीक है। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी ग्रोथ में आप मदद कर सकते हैं, ठीक है। देन जो आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ ला सकते हैं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल नॉलेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और क्या देता है, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर, इसलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन। बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या हैं, पेरिशेबल हैं, ख़राब हो जाते हैं, कुछ महीनों में होंगे या कुछ सालों में होंगे लेकिन ख़राब ज़रूर होंगे। देन सीजनैलिटी है उनमें कि पर्टिकुलर सीजन में ही उगेगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपको कि सर्दियों में आम उगा दो तो नहीं उगेगा, गर्मियों में ही उगेगा। देन बल्किनेस है, भारी होते हैं, बड़े बड़े ट्रक चाहिए होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देन वेरिएशन है किसमें, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में, कि हो सकता है कि इस बार बढ़िया आम आए हो, अगली बार ख़राब आम आ जाए, कोई पेस्ट आ जाए, कोई डिजीज़ आ जाए, जैसे काउज में आजकल लंपी डिजीज़ आ रखा है। तो बेसिकली क्या है कि वो कितना इफेक्ट कर रहा है हमारी एक पर्टिकुलर लाइफ स्टॉक को, कितना इंपैक्ट कर दिया। ऐसे ही डिजीजेज पेस्ट जो हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी ख़राब करते हैं। देन इरेगुलर सप्लाई, भाई जिस साल पता लगा मानसून अच्छा हुआ उस दिन अच्छी सब उस साल अच्छी सप्लाई आई, जिस साल मानसून ख़राब हो गया उस साल सप्लाई उतनी अच्छी नहीं आ पाई, तो इरेगुलर सप्लाई है। देन लैंड होल्डिंग साइज़ क्या है, स्मॉल हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि खेती इतना रिन्यूमरेटिव ऑक्यूपेशन रह गया तो खाली पड़ी रहती हैं लैंड्स, ठीक है। और क्या हो रहा है, उससे खेती कम हो रही है, ठीक है। देन प्रोडक्ट प्राइसिंग सही नहीं है, पता ही नहीं लगता फार्मर्स को कि भाई क्या प्राइस चल रहा है, क्योंकि अब वो क्या करता, बस फार्मर क्या करता है बेसिकली, आया उसने फसल काटी या फसल को हार्वेस्ट किया और सीधा जाके उसे बेच देता है वो, ना उसके पास कोल्ड स्टोरेज है, ना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है कि उसको स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, कुछ नहीं। उसमें जो है मिडल मैन आ जाते हैं देन, ठीक है। एक रिपोर्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, उसमें देखना आप कितना परसेंटेज मिडल मैन के पास जाता है, ठीक है। देन प्रोसेसिंग नहीं है, प्रोसेसिंग की कोई सुविधाएं नहीं है। तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, कि उसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, उसे सही प्रोडक्ट प्राइसिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूँ, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूँ, तो सबसे पहले बेसिकली एक 1928 में आपका
रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया था, ठीक है। फिर 1935 में हम लोगों ने एक डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन बनाया, ठीक है। फिर 1937 में जाके हम लोगों ने एक एक्ट बनाया जिसने कि फोकस किया किस पे, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन पे, ठीक है, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन पे, किसके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फिर ये तो प्री इंडिपेंडेंस की बात है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ जाते तो फर्स्ट और सेकंड फाइव ईयर प्लान में तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया गया, ठीक है। बट देन एक नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया गया था, जो पहला एग्रीकल्चर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था, उसने एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे फोकस किया। उसके बाद चीज़ें इंप्रूव हुई और कहीं जाके 10th फाइव ईयर प्लान में हमने जो है एक मॉडल लॉ बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक मॉडल लॉ बनाया किस पे, ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, 10th फाइव ईयर प्लान में, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ कि ड्राइवर्स क्या हैं ग्रोथ के एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इंडिया में, तो सबसे पहले तो भैया देखो स्पेशलाइजेशन चाहिए हमें। जब स्पेशलाइजेशन होगी भाई, हो सकता है कि आप टमाटर उगा रहे हैं लेकिन टमाटर इतने बढ़िया उगा दे रहे हैं और इतनी क्वांटिटी में उगा दे रहे हैं कि आप जो है प्लस में, पॉजिटिव में। जैसे मैं आपको एप्पल से एग्जांपल दूँ, हिमाचल चले जाओ तो वहाँ पे जिसके पास भी सेब के बगीचे हैं या ऑर्चर्ड्स हैं तो वो लोग बड़े अमीर होते हैं भैया वहाँ पे, ठीक है, उनके पास बड़ा पैसा होता है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन हमें बढ़ानी है। देन अर्बनाइजेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है वो आपकी अर्बन पॉपुलेशन ही खरीदती है, ठीक है। आप गेहूं गांव में ही खरीद लोगे ना तो हो सकता है आपको 40 रुपये किलो मिल जाए, ठीक है, वही खेत से आ रही है। बट देन आपने उस पर एक ऑर्गेनिक का टैग लगा दिया, एक नॉन जीएमओ का टैग लगा दिया, वही गेहूं जो है आपके शहर में 400 रुपये किलो बिकती है, ठीक है। क्यों? आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, आपका मार्केटिंग अच्छी है, ठीक है। अब फिर बात है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज लाने हैं हमें एग्रीकल्चर में, वही ड्राइव करेंगे। अगर हम मॉडर्न जो हमारे ट्रेडिशनल वेज हैं एग्रीकल्चर से अगर उससे ही करते रहे तो ठीक है, हमने प्रोडक्टिविटी तो अचीव कर ली है। बट देन अब हमें जैसे मिड डे मील स्कीम में क्या हुआ, पहले कैलोरीज पे ध्यान दिया जाता था, अब न्यूट्रिशन पे दिया जाता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस से हम लोग क्रॉप्स को मोर न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे तो हमें ध्यान देना ही है, क्योंकि जब एक रोबस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम होगा आपके पास तभी आप एग्रीकल्चर मार्केट को स्ट्रांग बना सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर मार्केट के साथ इंडिया में, एक तो इम्प्रॉपर वेयर हाउसेज प्रॉपर नहीं है, गांव में है ही नहीं। गांव में बेसिकली कैसे वेयर हाउसेज होते हैं मैं आपको बताऊं, कच्चे जो मकान होते हैं या कच्चा हाउसेज जो होते हैं उसमें लोग जो है अपनी फसल काट के रख देते हैं। अब क्या हुआ, रात को बारिश हुई, अब वो मिट्टी पूरी बह गई, पूरा टूट गया, पूरी फसल ख़राब हो जाती है, उनके महीनों की जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती है। देन देर इज़ अ लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इंडिया में तो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन तो है ही नहीं कि ग्रेड किया जाए कि भाई एक अच्छी क्वालिटी की वीट है, इसका ग्रेड अच्छा है, ग्रेड वन की है, ग्रेड टू की है, ग्रेड थ्री की है, ग्रेडिंग है ही नहीं। बेसिकली क्या होता है, आपने हार्वेस्ट किया सारा, आपने मिलाया और एक साथ बेच दिया। इंडिया में ये वाली अप्रोच चलती है, ठीक है, कि सारा का सारा सेल्स आपने एक साथ कर दिया। देन हमारे पास एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, आज भी गाँव में रोड नहीं पहुँची है, रेलवेज़ बहुत कम जगह है, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिडल मैन। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, अगर एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से 100 रुपये कम आए हैं ना तो सिर्फ उसमें से 53 रुपीज़ फार्मर के पास जाता है, 31 रुपीज़ जो है बेसिकली मिडल मैन के पास जाता है और जो रिमेनिंग 16 है वो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जाता है, भाई ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग इन सब में जाता है, ठीक है। तो 31% ये जो मिडल मैन है 31% ले जाता है बिना कुछ किए, जबकि ठीक है मान लिया मिडल मैन हो बट देन उसका शेयर 5% से 10% 5% 6% 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम शेयर है वो फार्मर्स को तो जाता है, बट देन फार्मर्स का शेयर और बढ़ना चाहिए क्योंकि फार्मर्स ही हैं जो पूरी मेहनत करते हैं। देन देर आर मैल प्रैक्टिसेस, अनरेगुलेटेड मार्केट है एग्रीकल्चर मार्केट, क्या होता है कि पता ही नहीं होता क्योंकि इनएडुकेट मार्केट इन्फॉर्मेशन है फार्मर के पास या मार्केट इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, उसके चलते क्या होता है कि वो मिडल मैन के जाल में फंस जाता है या उसको सही प्राइस नहीं पता होता। पता लग रहा मार्केट में शहर में तो वो बिक रहा है 50 रुपये किलो और गांव में ले लिया 5-6 रुपये किलो किसी मिडल मैन ने या किसी आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आड़ती होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने, ठीक है। तो अब सोच लो कि अगर उसको 50 रुपीज़ ये पता है कि बस 50 रुपीज़ का अगर शहर में बिक रहा है, खैर अब जो है फार्मर भी स्ट्रीट स्मार्ट हो रहे हैं, बहुत सारा काम किया जा चुका है, मोबाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, तो आज कम से कम प्राइस डिस्कवरी बेटर है। बट देन आज भी कई जगह पे फार्मर जो हैं दे फेल प्री टू दी यू नो मिडल मैन,
एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन टू देम. देन देर इज इनएडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज, पैसा नहीं है, लोन्स नहीं मिलते हैं, लोन्स नहीं मिलते हैं तो कहाँ जाते हैं, मिडल मैन पर चले जाते हैं. बैंक देता है 6% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट पे उन्हें लोन, जो मिडल मैन होते हैं वो देते हैं 6% पर मंथ पे लोन. ठीक है, दैट अमाउंट 36%. ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो तो उसे उतार नहीं पाते, देन वो अपनी ज़मीन उन्हें गिरवी रख देते, कॉन्वेस्टिगेट कर जाते हैं, लैंडलेसनेस बढ़ जाती है, तो एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, एक विशियस सर्कल है वो. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है. तो अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग और इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करें, सीखें ये सब समस्याएँ हैं और उनका समाधान निकालें. ठीक है, देन वाई देर इज़ अ नीड फॉर मार्केट रेगुलेशन, क्यों चाहिए आपको? देखो आपको तो एक्सप्लॉयटेशन बचाना है, किसका, फार्मर्स का, एक्सप्लॉयट फार्मर्स को एक्सप्लॉयट होने से बचाना है. देन आपका एक मार्केटिंग सिस्टम इफेक्टिव बन सके, ज़्यादा एफिशिएंट बन सके, उसको उसके लिए आपको मार्केट रेगुलेशन जरूरी है. देन टू प्रोवाइड इंसेंटिव प्राइस टू दी फार्मर्स या रिन्यूमरेटिव प्राइस, की प्राइस सही मिले फार्मर्स को. ठीक है, अगर मान लिया अगर 100 रुपये के प्रोडक्ट है वो कम से कम उसे 90 रुपये तो मिले, या 100 माइनस जितनी भी मार्केटिंग कॉस्ट है उसकी, उससे काट के कम से कम उतना तो उनको अमाउंट मिले. एंड टू प्रमोट ऑर्डरली मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ठीक है, उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो पूरा सिस्टम है वो मोर रोबस्ट बना सकते हैं आप. ठीक है, तो अगले इस लेक्चर में इतने पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में आपको रेगुलेशन आगे कंटिन्यू करेंगे कि रेगुलेशंस क्या क्या रेगुलेशंस है एग्रीकल्चर मार्केट के इंडिया में वो बताएंगे, और जो फार्म लॉज थे वो इसी रेगुलेशन से रिलेटेड थे, जैसे आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एपीएमसी एक्ट है, ये सब जो है हम लोग आपको अगले क्लास में बताएंगे. ठीक है, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू वॉन्ट द नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, इफ़ यू वॉन्ट एनी गाइडेंस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, सी यू, एंड वी शैल मीट यू टुमारो.